सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने को लेकर महिला कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल और आरोपी व्यक्ति के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत काली मंदिर निवासी राजेश सिंह के ऊपर महिला कांग्रेस नेत्री ने गंभीर आरोप लगाया है। उनके फेसबुक वॉल पर राजेश सिंह द्वारा लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे। मना करने के बाद भी उन्होंने अपनी टिप्पणी बंद नहीं की। रोशनी कुशल जायसवाल ने कहा कि आज जब हम अपने महिला साथियों के साथ उनके निवास पर जाकर समझाने का प्रयास किया तो वो और उनके गुर्गे गाली गलौज और मारपीट करने लगे, जिसको लेकर हम सभी लालपुर पांडेपुर थाने में राजेश सिंह के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं दूसरे पक्ष से आरोपी राजेश सिंह भी थाने पर पहुंचकर महिला कांग्रेस नेत्री के खिलाफ और उनके साथ आए लोगों पर आरोप लगाया कि उनके घर आकर महिला नेत्री ने दुर्व्यवहार किया। काफी समय तक लालपुर थाने पर दोनों पक्षों में वाद विवाद और मारपीट भी चलती रही, जिसको देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बिठाया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पिछले 4 साल से सैफरन राजेश सिंह नाम का व्यक्ति मेरे नाम को बदनाम करने के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहा था अपने फेसबुक पेज पे, जिसपे उसके 5,000 फ्रेंड्स हैं। लगातार शॉर्ट फॉर्म में रोकूजा लिख के मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन पहले उसने मेरा नाम पूरा लिख के रोशनी कुशल जायसवाल को प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, उसके साथ बलात्कार करना पड़ेगा, तब जाके उसका मुंह बंद होगा। मेरा मुंह बंद करने के लिए उसने मुझे प्रेग्नेंट करने की धमकी दी, जिसके खिलाफ मैंने DM और कमिश्नर सर के खिलाफ उसके ऑफिस में एप्लीकेशन लिखा। और आज अपने बहनों के साथ, अपनी चाची मामी के साथ, अपने भाइयों के साथ उसके घर पे पहुंच के उसकी माँ, उसकी बेटी जो कि 16 साल की बेटी है, उसको बताने पहुंची कि उसका बाप, उसका पति किस तरह से दूसरी महिलाओं के साथ बलात्कार करने की धमकी दे रहा है। मैं अकेले घर से बाहर निकलती हूँ अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए, उसे ट्यूशन छोड़ने के लिए, मुझे अकेला पाकर वो कभी भी मेरा बलात्कार कर सकता है। मेरा बलात्कार होने के बाद, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला के साथ बलात्कार होने के बाद लोग उसके सपोर्ट में मोमबत्ती लेकर बाहर निकल रहे थे सपोर्ट के लिए, मैं नहीं चाहती कि मेरा बलात्कार या किसी भी महिला या किसी भी बेटी का बलात्कार होने के बाद लोग फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरह, निर्भया कांड की तरह मोमबत्ती लेके निकलें। अगर बलात्कारी ऐसा है, सैफरन राजेश सिंह जैसा है, और उसका घर मुझे पता है जो मेरे ही शहर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रहता है, तो मुझे उसके घर पे जाके उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी माँ को ज़रूर बताना चाहिए कि वो क्या है। तो मैं उसके घर गई और उसके घर पे उसकी माँ बहन बेटी को जब मैं बताने लगी तो उन लोगों ने अपने घर के बाहर कुर्सियाँ फेंकी, हम लोगों के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ अभी हम लोग थाना लालपुर पांडेपुर पे आके मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी इंसान आपको इस तरह से बलात्कार करने की धमकी दे रहा है और अगर आपको पता है कि उसका नाम और उसका पता क्या है, चुप मत बैठिए। मैं हर उस महिला के सपोर्ट में आज आवाज़ उठा रही हूँ जो इन जैसे बलात्कारियों के चपेट में आ जाती हैं। ये कितने महीने से चल रहा है जी? पिछले 4 साल से शॉर्ट फॉर्म में रोकूजा लिख के मेरा नाम खराब कर रहे थे और मेरे घर वालों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ। मुझे कभी भी कुछ भी बोल देना कि मैं अपने घर से पैसा लेके दुबई भागी हूँ या मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, कुछ भी कुछ लिख रहे थे, शॉर्ट फॉर्म में रोकूजा लिख रहे थे। मैंने कहा कि कुत्ता है, भौंक रहा है। ये कम से कम 250 पन्ने का फोटो स्टेट है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो को सही में फॉलो करती रोशनी कुशल जायसवाल, ये सैफरन राजेश सिंह की आईडी है। फिर इसमें लिखा है कि आखिर माल हो हमार, तहू के दिलवा देव, अब बात खत्म करा, फिर से प्रेग्नेंट
करे के हुई तब जाके रोशनी कुशल जायसवाल माल बना। आप एक कांग्रेस की नेता भी हैं, क्या कहेंगी जिस तरीके से योगी सरकार लगातार बुलडोजर की बात करती है? योगी सरकार बुलडोजर चलवाती है, इन जैसे घर पे कब बुलडोजर चलेगा? और सैफरन राजेश सिंह नहीं, इसका नाम होगा आज से बलात्कारी राजेश सिंह। इसके घर में, इसके मोहल्ले में, ये सारे फोटो स्टेट मैंने हर घर में बांट के आए हैं कि आपके मोहल्ले में रहता है ये बलात्कारी सैफरन राजेश सिंह, जो दूसरे की, मैं भी किसी की माँ हूँ, मेरा 9 साल का बेटा है, मैं भी किसी की बीवी हूँ, मेरे पति का खून खोलेगा कि नहीं जब उसकी बीवी को इस तरह से बलात्कार करने की धमकी आएगी? 4 साल से चला रहा है। आपको लगता है कि किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं? आरएसएस का है, अपने आप को आरएसएस का बोल रहे हैं, और क्या है क्या नहीं है मैं उनको ना जानती हूँ ना मुझे उनको जानना है। बस ऐसे बलात्कारियों से अपनी माँ बहन बेटियों को बचाएं। बीएचयू भी ऐसे लोग थे, बीएचयू में भी भाजपा के लोग 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। हर जहाँ पे बलात्कार की बात होती है वहाँ भाजपा और आरएसएस के लोग ही शामिल होते हैं। मैं इसमें अभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं हर महिला के लिए आवाज़ उठा रही हूँ और ऐसे बलात्कारियों से बचें वो। ये जो लिख सकता है, इनके दोस्त अभी बाहर आके कह रहा है कि उसने बलात्कार अभी किया नहीं है, उसने लिखा है। नाम क्या था, झूठ बोल रहे थे? तो ऐसे दोस्तों को मैं कहना चाहूंगी कि वो दोस्त कह रहे हैं कि अभी वो उसने किया नहीं है बलात्कार, आप उसको बलात्कार ही मत बोलिए, उसने सिर्फ लिखा है। तो जो लिख सकता है 5,000 लोगों के बीच में मेरे लिए, वो करने में चुकेगा क्या? मुझे अकेला पाके कहीं पे भी, मैं हर वक्त अपने बॉडीगार्ड लेके नहीं घूमती हूँ, हर वक्त मैं अपनी चाची मामी के साथ नहीं घूमती हूँ, मुझे अकेले निकलना पड़ता है अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए, मैं उस समय 4 बॉडीगार्ड लेके नहीं निकलती हूँ। तो मेरे साथ कल कुछ हो जाएगा तो ऐसे बलात्कारी राजेश सिंह के खिलाफ उसके दोस्त आएंगे सपोर्ट करने के लिए, ऐसे सपोर्टर, उनकी बीवी भी कह रही है लिख दिए तो क्या हो गया? अरे तो 4 साल से चला था, इससे पहले आप अधिकारी पास गई शिकायत करने के लिए? अरे ऐसे कुत्ते बहुत आते हैं, मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जो भोगते हैं शॉर्ट फॉर्म लिख के, लेकिन जब सामने मेरा पूरा नाम लिख के बलात्कार करने की जब धमकी दी, इसके पहले 2 साल पहले भी मुझे जान से मारने की धमकी आई थी, मैंने कंप्लेन की थी, मुझे इंसाफ मिला था, तो आज एक बार फिर से बलात्कार करने की धमकी आई है। मैं कभी भी अकेले पाके मैं किसी ऐसे बलात्कारी का शिकार ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने थाना की कार्रवाई करना ज़्यादा सही है। क्या बोले लोगों? उन्होंने बोला है कि साइबर क्राइम है, ये साइबर पे उन्होंने लिखा है और आगे कार्रवाई होगी। मैं योगी मोदी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे बलात्कारी राजेश सिंह के घर के ऊपर और महिलाओं को क्या करना चाहेंगे जो महिलाएं डर जाती हैं? जो भी महिलाएं ऐसे लोगों से डर जाती हैं या छोड़ देती हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ऐसे लोगों को छोड़ते हुए आएंगे तो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी को